नमस्कार, मैं हूँ रीनू कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ के बेमतरा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। एक पिकअप वाहन और ट्रक की टक्कर हो गई है। दर्दनाक हादसे में 5 महिलाओं और 3 बच्चों समेत 9 की मौत हो गई है, जबकि 23 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोमवार को पुलिस ने ये जानकारी दी है। हादसे में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। वहीं दूसरी घटनास्थल पर आज सुबह दुर्ग आईजी, दुर्ग संभाग कमिश्नर, बेमतरा एसपी व कलेक्टर ने निरीक्षण किया है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों के जवानों और नक्सलियों के बीच सोमवार सुबह मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया है। इस मामले की पुष्टि सुकमा एसपी किरण चौहान ने की है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज सोमवार को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे न्यायधानी बिलासपुर के सकरी में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिलासपुर लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र यादव के पक्ष में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत सकरी सिंचाई कॉलोनी मैदान में सभा लेकर प्रचार करेंगे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज, पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। सभा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी और आईएससीसी महासचिव सचिन पायलट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पहले दो चरण में जो हुआ उससे बेहतर हमारा परफॉर्मेंस लास्ट चरण में होगा। हमारा जो चुनाव है मैनिफेस्टो के आधार पर है, विचाराधार के आधार पर है। 5 सालों का हमारा सकारात्मक रोड मैप क्या है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। पायलट ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि जो सत्ताधारी दल है और जिनकी सरकार पिछले 10 सालों से दिल्ली में है, उनका काम और भाषण है। कभी वो प्रियंका गांधी के बारे में बोलते हैं तो वो कभी राहुल गांधी के बारे में व्यक्तिगत स्तर पर बात करते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं है। इन नकारात्मक बातों को जनता खूब समझती है। पहले दो चरण में बीजेपी बैकफुट में है, ये उनके भाषण में दिख रहा है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रासोज पांडे को निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ने बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्र के कार्यक्रम को लेकर नोटिस जारी किया है। सोमवार तक नोटिस का जवाब नहीं देने पर धीरेन्द्र शास्त्र के कार्यक्रम का खर्च प्रत्याशी पर जुड़ेगा और आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।